जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी परिषद ने कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट जारी किया हुआ है। इसका पूरा नाम था 23 परीक्षा 2016 सम्मिलित तकनीकी सेवा समान चयन। इसमें 248 पदों पर भर्ती हो रही है। पहले इसमें 292 पद थे, बाद में इसमें 44 पद जो है अभी हाल ही में इसमें कम किए गए थे। तो 248 पदों पर यह वैकेंसी अभी कराई जा रही है और इसमें बहुत सारे पद थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे पद आ रहे हैं और अलग अलग पदों पर अलग अलग कैंडिडेट अप्लाई किए थे। लेकिन जब परीक्षा हुई थी उस समय किसी को पता नहीं था, किसी की क्या मतलब है, कुछ लोगों को नहीं पता था, कुछ लोगों को पता था कि हमने किस पोस्ट में अप्लाई किया हुआ है। तो बहुत से जो कैंडिडेट थे वो दूसरे में कर दिए हैं, ठीक। तो जो 35 प्रश्न थे ये उसी ट्रेड से संबंधित आए हुए थे, बाकी के 65 प्रश्न सबके कम्बाइंड थे और 35 प्रश्न जो है अलग से थे। तो 1806 ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पे पाए गए हैं जिनके द्वारा प्रश्न पत्र विज्ञापन के अंतर्गत तालाइन विदित पद से भिन्न पाठ्यक्रम विषय चयनित करने हेतु लिखित परीक्षाएं प्रतिभावित किया गया है, इनका अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिन्होंने अप्लाई किसी दूसरे में किया था और उन्होंने परीक्षा किसी दूसरे पद की दी है, ठीक, उस जब एग्जाम हुआ था उसके पहले ये भी नहीं क्लियर किया गया था कि कौन किस में अप्लाई किया, चूँकि किसी के पास उसका फॉर्म का जो है प्रिंट नहीं था और कोई श्योर भी नहीं था कि हम किस में अप्लाई किए हुए हैं। तो ऐसे 1806 अभ्यर्थी पाए गए हैं जिनको यहाँ पे बाहर कर दिया गया है। और रिजल्ट कैसे देखेंगे, इसके पहले हमने वीडियो बनाया हुआ है तो उसमें मेरा हुआ भी है, मेरा शॉर्ट लिस्ट अभी किया गया है, लेकिन देखिए भविष्य में क्या होता है डीवी के बाद, चूँकि उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि हुआ है नहीं, फाइनल जब बनाई जाएगी लिस्ट। तो अब देखिए यहाँ पे कितने लोगों को बुलाया गया है, 248 पदों के सापेक्ष यहाँ पे पदवार श्रेणीवार 3513 अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, 3513 अभ्यर्थी। और ये कट ऑफ जो है वो 7 मार्च 2024 के आधार पे जो है बनाई गई है। तो दोस्तों अब बात करें यहाँ पे कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, तो अभी यहाँ पे हम कैलकुलेटर जो है निकाल लेते हैं, 3513 डिवाइडेड बाई 248, तो लगभग 15 गुना अभ्यर्थी को यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक। 3513 गुना यानी 15 गुना, एक पोस्ट पे 15 लोगों को बुलाया गया है, 14.16 लोग यहाँ पे मिले हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है और यहाँ पे यह दिया गया है कि जो है यथासंभव सूचित किया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि एक हफ्ता के अंदर अंदर इसकी डेट जो है जारी कर दी जाएगी। चुनाव तो अभी होने वाला है लेकिन जो है उससे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, हो सकता है कि बीच में डीवी करा लिया जाए। तो अपने सारे दस्तावेज आप अपने तैयार रख लीजिए, क्या क्या लेके जाना है डीवी के लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने लेखपाल का बनाया था तो उसमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो इस पर भी हम सेपरेट वीडियो जो है आपको अलग से लेके आएंगे। बाकी आपका अगर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। जिसका हुआ है उसको भी अभी श्योर नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसका हो ही जाए, और हम लोग तो अभी बॉर्डर पे ही हैं, मान लीजिए 75 हमारी कट ऑफ गई है और 75 के आसपास हमारे नंबर थे भी, तो अभी हम बॉर्डर पे ही हैं, कुछ पता नहीं है हो कि ना हो फाइनल मेरिट में, वो तो बात की बात है। फिलहाल अभी हमारा जो फ़र्ज है अभी हम वो करेंगे, और सबसे जो है हाईएस्ट कट ऑफ हमारे वाले पोस्ट की ही गई है, सबसे नीचे यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, सबसे लास्ट में यहाँ पे 75 जो गई हुई है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी की गई है, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की। इसके अलावा इसमें इतनी कट ऑफ किसी में नहीं गई है, इसमें देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सभी की सेम कट ऑफ गई हुई है। बाकी देखिए इसमें कितनी कट ऑफ गई है, 7 नंबर, बताइए 100 में 7 नंबर, इतनी कम कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको पल पल की इसकी अपडेट हम आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे।